सो फर्स्ट पार्ट ऑफ द लेक्चर में हम एनाटॉमी को डिस्कस कर रहे थे और हमने डेस्टमेंट मेम्ब्रेन को स्टार्ट किया था। तो कहने का मकसद यह है कि डेस्टमेंट मेम्ब्रेन जो है ये सेकंड मंथ ऑफ गेस्टेशन से उसका डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुका है। और जब बाई बर्थ आप देखें तो ये कहने की वाहिद लेयर है जो एडल्ट लाइफ के तक ये ग्रो कर रही है। आप यहाँ भी देख सकते हैं कि बाई बर्थ अगर हम उसकी थिकनेस देखें तो थिकनेस उसकी बहुत कम है, 3 से 4 माइक्रोमीटर है। चाइल्डहुड में अगर देखें तो तकरीबन 5 माइक्रोमीटर तक, और हम एडल्ट साइज की बात करें तो 10 से लेकर 14 माइक्रोमीटर तक उसकी थिकनेस हो रही है। अब यही वजह है कि जब इसकी ग्रो हो रही है तो इसी बेस पे हमने इसकी 2 सेक्शन लिए हुए हैं कि एक डेस्टमेंट मेम्ब्रेन का वो सेक्शन है जो फीटल लाइफ में डेवलप हो चुका है और एक वो पोर्शन है जो आफ्टर बर्थ डेवलप हो चुका है। जब आप इसकी क्रॉस सेक्शन को देखेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं, जब आप इसकी क्रॉस सेक्शन को देखेंगे उसकी डेस्टमेंट मेम्ब्रेन को, सो ये इंटीरियर 1/3 पार्ट वाला जो है, देखिए आपको लेमिनेटेड लग रहे हैं, ऐसे लग रहे हैं कि कोई लेमेला जो एक दूसरे के ऊपर आया हुआ है, ये वाला पार्ट जो है दिस इज योर फीटल डेस्टमेंट मेम्ब्रेन वाला पार्ट। और फिर इसके बाद ये जो रिमेनिंग वाला 1/3 वाला, ये जो 2/3 वाला पार्ट, ये वाला जो है पोस्टीरियर साइड पे है, ये जो आफ्टर बर्थ बन चुका है यही वो एडल्ट वाला पार्ट है जो बाद में डेवलप हो चुका है। जितना ग्रो होता जा रहे बच्चे की और नए नए लेयर डेवलप हो रहे हैं, तो नए लेयर बिल्कुल यहाँ नीचे आप देख सकते हैं कि नीचे आपका यहाँ पे एंडोथेलियल सेल होंगे, तो इसी एंडोथेलियल सेल और डिस्क मेम्ब्रेन के दरमियान नए नए लेयर जो है वो बनता जा रहा है इवन अप टू एडल्ट। ठीक है, तो कहने का मकसद ये था कि जैसे आप देख सकते हैं कि एडल्ट ह्यूमन में देखें तो इंटीरियर 1/3 जो है डिस्क मेम्ब्रेन वो पीटल का होगा जो लेमिनेटेड स्ट्रक्चर का है और इररेगुलर बैंड पैटर्न क्रॉस सेक्शन आपको नजर आ रहे हैं। अगर आप उसकी टेंजेंशियल सेक्शन देखेंगे ऊपर से, अगर कॉर्निया से ऐसे आप सेक्शन लेंगे तो आपको ऐसा नजर आएगा कि यही लेमिला जो है ये बिल्कुल कॉर्निया के सरफेस के साथ ऐसे बिल्कुल फ्लैट पड़े हुए हैं, लेकिन आप जो क्रॉस सेक्शन देखें तो क्रॉस सेक्शन में आपको ऐसे लेमिनेटेड स्ट्रक्चर नजर आएगा। ठीक है, ये इंटीरियर वाला वो पीटल वाला है, जो पोस्टीरियर वाला पार्ट जो है ये आफ्टर बर्थ जो है ये सारे चीज़ें डेवलप हो चुके हैं। और साथ साथ में याद रखिए कि मॉडिफाइड जो वो है जंक्शन है, आपको पता है कि कुछ टाइट जंक्शन है, हिमिडिस्मोसोम, ये डिफरेंट टाइप ऑफ सेल जंक्शन है। सो मॉडिफाइड हिमडिस्मोसोम जो है इसी की बेस पे आपके एंडोथेलियम और डिस्क मेम्ब्रेन जो है आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो चुके हैं। इसके बाद अगर हम बहुत इंपॉर्टेंट कुछ क्लिनिकल कंडीशंस की बात करेंगे, हेसल हेनली बॉडीज की या हेसल हेनली वार्ड्स की हम बात करेंगे, आप एक चीज देखेंगे पेरिफेरल कॉर्निया में, स्पेशली ओल्ड एज में जितना एजिंग की प्रोसेस हो रही है तो कॉर्निया में भी एजिंग की कोई प्रोसेस चल रही है। अब ओल्ड एज में आप कॉर्निया के स्पेशली पेरिफेरल एरिया में देखेंगे कि आपकी, लेट्स सपोज अगर यहाँ पे मैं आपसे एक कॉर्निया ड्रा करूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये कॉर्निया है। ठीक है, तो इसी पेरिफेरी में आप देखेंगे कि देयर इज सम स्मॉल पेरिफेरल, एक स्मॉल प्रोजेक्शन साइज स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे नजर आएंगे। अब ये एक्चुअल है क्या, ये एक्चुअल लोकल थिकनिंग ऑफ द डेस्टमेंट मेम्ब्रेन होता है जो कि इंटीरियर चैम्बर की तरफ होते हैं, और इसके ऊपर जो जाहिर बात है जो अंडरलाइन वो एंडोथेलियम है, एंडोथेलियम भी इसके सरफेस के ऊपर यहाँ पे मौजूद है, लेकिन आप इस एंडोथेलियम के नीचे देखें तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होगा, ये एक्सक्रीशन होंगे, एक आउटग्रोथ सा होगा। ठीक है, जो कि एक लोकल या फोकल थिकनिंग ऑफ द डेस्टमेंट मेम्ब्रेन हो चुका है, ओल्ड एज के साथ आपको मिलेगा, इसी का नाम है हेसल हेनली बॉडीज। ठीक है, ऐसे प्रोजेक्शन जिसके ऊपर एंडोथेलियम भी मौजूद है और नीचे जाकर आपके डेस्टमेंट मेम्ब्रेन है, ये एक्चुअल वो उसमें मिलेगा, नॉर्मल इंडिविजुअल में भी आपको मिल सकता है, और जरूरी नहीं कि जिसमें हेसल हेनली बॉडीज हो वहाँ पे आपको कोई क्लिनिकल एबनॉर्मिलिटीज आपको मिलेगा, कॉर्निया का फंक्शन जो है वो बिल्कुल ठीक होता है, ये कोई मसला क्रिएट नहीं करता। लेकिन अगर यही बॉडी जो है हेसल हेनली बॉडी जो है यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बताया था कि पेरिफेरी पे होते हैं, अगर यही डेस्टमेंट फॉल्ट जो है या वॉल्ट जो है अगर वो आपके सेंट्रल कॉर्निया में आ जाए, फॉर एग्जाम्पल ये बिल्कुल कॉर्निया है और यहाँ जो ऑप्टिकल जोन है, अगर इसी ऑप्टिकल जोन के बैक में यही स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आ जाए तो फिर इसका नाम है कॉर्निया गुटाटा। अब ये कॉर्निया गुटाटा जो है ये भी वही, इसका पैथोफिजियोलॉजी वही है
डिस्मल मेम्ब्रेन की वो ही हो चुकी है, थिकनिंग हो चुकी है और उसका मार्क एपिक्स जो है वो टुवर्ड द इंटीरियर चैम्बर है और उसके ऊपर वही इपिथेलियम लेयर मौजूद है, लेकिन ये सेंटर में है। ये क्या है, ये सेंटर में है, ये विजन विजन डिस्टर्बेंस भी कर सकता है और साथ साथ में स्पेशली जो एंडोथेलियल की जो परमिबिलिटी है वो परमिबिलिटी भी इंक्रीज हो सकती है इसकी वजह से। जब भी हम डिस्क मेम्ब्रेन की बात करें तो हेसल हेनली बॉडी और कार्निको डाटा भी साथ में शेयर कर ले, और समटाइम एक और चीज़ भी शेयर कर ले कि यही लेयर जो है अगर कोई ट्रामा इसके साथ आ गया या कोई सर्जिकल लग गया तो ये बहुत आसानी से इसमें फोड़ आ सकते हैं, जिसको हम डिस्क मेम्ब्रेन फोड़ कह सकते हैं। ठीक है, दिस समथिंग अबाउट डिस्क मेम्ब्रेन। देखिए आप ये गुटाटा आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल सेंट्रल कॉर्निया है और यहाँ पे आप देखिए जैसे सम प्रोजेक्शन जो है टुवर्ड द इंटीरियर चैम्बर आप यहाँ इस फ्रैक्चर इस साइड में भी देख सकते हैं और इसी सेक्शन में भी आप देख सकते हैं। अच्छा, तो वही चीज की जी स्टार्ट में आपसे डिस्कस करें कि कॉर्निया की लेट सपोज अगर ये कॉर्निक एपिथीलियम है तो ये एपिथीलियम बल्बर कंजक्टिवा के एपिथीलियम के साथ कनेक्ट हो चुका है। इसके नीचे अगर ये बोमेन लेयर है तो बोमेन लेयर बिकम द स्ट्रोम ऑफ द कंजक्टिवा एट द लिम्बस। ठीक है, ये आपका कॉर्निया है और ये आपका लिम्बस एरिया है, लेकिन अभी यहाँ हमने स्ट्रोमा डिस्कस किया कि यहाँ स्ट्रोमा कॉर्निया स्ट्रोमा है तो लिम्बस के क्रॉस करने के बाद यहाँ से स्क्लीरा बनेगा। ठीक है, और यहाँ डिस्मेंट मेम्ब्रेन है जहाँ पे ये लिम्बस में जाएगा इस एरिया में, तो ये बिल्कुल लिम्बल के एरिया में आप देखेंगे कि लिम्बस के एरिया में ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये ख़त्म हो रहे हैं और जहाँ पे ये ख़त्म हो रहे हैं तो यहाँ से एक लाइन बनता है, उस लाइन का नाम है श्वाब लाइन। तो आप श्वाब लाइन क्या है, इट इज़ द इंटीरियर कंटिन्यूएशन ऑफ डिस्मेंट मेम्ब्रेन या टर्मिनेशन आप कह सकते हैं कि ये टर्मिनेशन ऑफ जहाँ पे डिस्क मेम्ब्रेन ख़त्म हो गया तो यहाँ पे आपका श्वाब लाइन होगा और इसी शुआब लाइन से जस्ट पोस्टीरियर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका ट्रिबिकुलर मेशवर्क ये एरिया स्टार्ट हो रहे हैं लिम्बस एरिया में। ये रिलेशनशिप जो है ये भी मैंने लिम्बस के लेक्चर में काफ़ी डिटेल से एक्सप्लेन किया गया है, इक्वस ह्यूमर डायनामिक के नाम से लेक्चर है, उसमें मैंने ये सारे रिलेशनशिप जो है बहुत मजे से एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, सो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे आपकी कॉर्निया की जो शुआब सॉरी डिस्मेंट मेम्ब्रेन है ये साइड पे लिम्बस में किस चीज़ से कनेक्ट हो चुका है, शुआब लाइन से। श्वाब लाइन इज नथिंग, इज नॉट अ प्रॉपर स्ट्रक्चर बट ये एक रिम सा स्ट्रक्चर है, आपको ये बता रहे कि जी यहाँ तक आपका फॉर एग्जाम्पल यहाँ तक अगर आप बैक साइड पे देखें तो यहाँ तक आपको मैं बताऊंगा कि लेट सपोज यहाँ पे आपका श्वाब लाइन है, इसका मतलब है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा यहाँ पे दूसरा श्वाब लाइन है तो ये आपका डिस्मेंट मेम्ब्रेन है, जहाँ पे आपका डिस्मेंट मेम्ब्रेन खत्म वहाँ श्वाब लाइन स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, अच्छा ये चीज भी हो गया। अब यहाँ पे है पोस्टीरियर एम्ब्रियो टॉक्सा, तो सब कभी कभार अगर कोई कंजेनिटल एबनॉर्मलिटी के साथ यही श्वाब लाइन के एरिया में अक्सर हाइपरट्रॉफी होती है, सो व्हेन देयर इज हाइपरट्रॉफीज एंड सम कंजेनिटल एनोमलीज तो आपकी श्वाब लाइन जो है वो आपको गोनोस्कोपी में ऐसे ही नजर आए, देखिए थोड़ी सी विजिबल और ये एलिवेटेड स्ट्रक्चर आपको नजर आएगा, तो सच अ कंडीशन इज कॉल्ड पोस्टीरियर एम्ब्रियो टॉक्सन। तो पोस्टीरियर एम्ब्रियो टॉक्सन क्या होता है कि दिस इज माय हाइपरट्रॉफीज एंड कंजेनिटल एनोमलीज एंड अपीयरेंस ऑफ विजिबल शेल्प ऑन गोनोस्कोपी, ये यही श्वाब लाइन जो है इसकी अगर हाइपरट्रॉफी हो जाए इन कंजेनिटल एबनॉर्मलिटीज में तो उसको हम कहते हैं पोस्टीरियर एम्ब्रियो टॉक्सन। ठीक हो गया, इसके साथ अगर हम चले हम लास्ट लेयर जो है एंडोथेलियम उसको डिस्कस कर रहे हैं, तो एंडोथेलियम भी सिंगल लेयर ऑफ हेक्सागोनल या क्यूबाइडल सेल है जो कि पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ डिस्मेंट मेम्ब्रेन के साथ अटैच है और मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि ये भी नेरो एक्टोडर्म इन ओरिजिन है। ठीक है, अब कॉर्नियल एंडोथेलियल सेल जो है उसकी इफेक्ट्स प्रोडक्शन है। अब इम्पोर्टेंट बात जो आपको याद रखने की चीज़ है जो कॉर्नियल एंडोथेलियम के साथ है वो आपने ये याद रखना है कि जैसे सिंगल लेयर हेक्सागोनल और क्यूबाइडल लेयर है और इसके बिल्कुल पोस्टीरियर साइड पे अटैचमेंट इसका है। अब ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, एंडोथेलियल सेल डेंसिटी जिसको हम ECD कहते हैं, एंडोथेलियल सेल डेंसिटी कहते हैं। अब जब बाइबर देखे तो देखे 6000 सेल पर मिलीमीटर स्क्वायर होता है। अब यहाँ देख सकते ना इतनी ज़्यादा सेल आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, एंडोथेलियल सेल नजर आ रहे हैं। फिर क्या हो रहा है कि 26% लॉस इन द फर्स्ट ईयर, ये इतनी ज़्यादा सेल जो है इसमें से 26% जो काफ़ी ज़्यादा हाई फिगर है, इतनी अमाउंट की सेल जो है फर्स्ट ईयर में वो लॉस होते हैं। अब माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कि यही 26% लॉस हो रहे हैं तो उसकी
क्या हो गया, कोई नया सेल है उसकी जगह आ रहे हैं? आंसर इज नो, कोई नया सेल नहीं आ रहा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ से कोई सेल डैमेज हो गया, खत्म हो गया, लॉस हो चुका है। तो अब इस सेल के साइज देखे, यहाँ पे साइज देखे, तो यहाँ पे आपको नजर आएगा कुछ सेल जो है वो काफी लार्ज हो चुके हैं। अगर आप लोग यहाँ ध्यान करें तो देखेंगे कि ये सेल फॉर एग्जांपल ये सेंट्रल ये वाले सेल जो है काफी लार्ज हो चुके हैं। सो ये 26% जो लास्ट हो गया है, इसकी जो जगह है वो सराउंडिंग जो नेबरिंग सेल है वो अपनी साइज को इनलार्ज करके उस गैप को फिल कर देता है, ये याद रखिएगा। सेकंड थिंग देखें कि 26% जो है वो नेक्स्ट 11 ईयर जो है उसमें लॉस कर देता है। इसका मतलब है कि जितना एजिंग का प्रोसेस चलता जा रहा है, बंदा ओल्ड होता जा रहा है, तो साथ साथ में क्या होता है कि एंडोथेलियल का लॉस जो है वो कंटिन्यूसली लॉस होता जा रहा है, लेकिन वो गैप वो डिफेक्ट जो है वो सराउंडिंग जो सेल है वो अपनी साइज को इंक्रीज करके उसको फिल कर देता है। ऐसे नहीं कि वहां पे कोई डिफेक्ट रहता है। एक चीज क्लियर हो गया। दूसरी बात यहाँ है ये है कि याद रखें कि रेट ऑफ सेल लॉस स्लो एंड स्टेबलाइज अराउंड मिडिल एज। देखिए मिडिल एज तक बंदा चला जाता है तो फिर वहां पे उसकी जो सेल लॉस है वो थोड़ी सी स्लो होती है, लेकिन आप देखिए फर्स्ट ईयर में इवन 26% लॉस हो चुका है, फिर 11 ईयर तक 26% लॉस, इसके बाद जो है स्लो हो चुका है, और फिर क्या कहते हैं मिडिल एज में देखे तो ऑलमोस्ट ये अपनी डेंसिटी जो है वो इतनी रखती है कि 2500 सेल पर मिलीमीटर स्क्वायर होती है काफी अरसे तक। अब एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखे, अगर यही एंडोथेलियल सेल की डेंसिटी जो है वो 500 सेल जो है पर मिलीमीटर स्क्वायर से कम हो गया, तो अगर इससे कम है तो फिर ये अनएबल रहेगा कि वो डिफेक्ट को कंप्लीट करे। और जब ये आपको पता है कि एंडोथेलियल सेल का मेन फंक्शन क्या है, एंडोथेलियल सेल जो है वो एक्वस ह्यूमर को अलाउ नहीं कर देता कि वो कॉर्निया की स्ट्रोमा और इसमें आ जाए, ठीक है। और जब इसकी कॉर्नियल एंडोथेलियम की अमाउंट जो है वो 500 सेल पर मिलीमीटर स्क्वायर से कम हो गया, तो फिर कॉर्नियल की ट्रांसपेरेंसी जो है वो लॉस हो जाएगी बिकॉज कॉर्नियल एडिमा डेवलप होगा। तो याद रखिए कॉर्नियल एडिमा के लिए कम से कम रेंज कितना है, सम बुक में ये 700 सेल पे लिखा है, बस मोस्टली बुक में ये 500 सेल पर मिलीमीटर स्क्वायर लिखा है कि अगर इससे कम हो गया तो कॉर्नियल एडिमा आसानी से डिवेलप हो चुका है। अब एक आगे आप देख सकते हैं कि बर्थ देखें, तो अगर एक बर्थ की अगर हम बात करें तो साइज सेल की देखें, उसकी हाइट देखें तो ऑलमोस्ट 10 माइक्रोमीटर की हाइट है, लेकिन विद एज बिकम देखें तो उसकी वो फ्लैटनिंग स्टार्ट हो रही है। अब देखिए 3 से 5 माइक्रोमीटर तक चला गया है, उसकी वेट देखें तो 18 से 20 माइक्रोमीटर देख गया। यही देखें कि उसकी भी सिंगल ओवल न्यूक्लियस है, सेंट्रल उसका लोकेटेड है, सिल शेप जो है वो हेक्सागोनल है यंग एज में, लेकिन वो पॉलीमॉर्फिक बनता है ओल्ड एज में। आप यहाँ देख सकते हैं ना 20 एज के देखें सेल के साइज देखें, बिल्कुल हेक्सागोनल शेप नजर आए, लेकिन जितना ओल्ड एज यहाँ पे देखें तो साइज भी काफी लार्ज हो चुका है, एंडोथेलियल का काउंट कम हो चुका है, डेंसिटी जो है वो भी काफी कम हो चुका है, ठीक है, पॉलीमॉर्फिक सेल जो है वो कन्वर्ट हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए कॉर्नियल एंडोथेलियल डेंसिटी न्यू बर्न के देखे तो 3000 से लेकर 4000 सेल पर मिलीमीटर स्क्वायर मौजूद होते हैं। एडल्ट की अगर हम बात करें, मिडिल एज की बात करें तो 2500 सेल पर मिलीमीटर स्क्वायर, ओल्ड एज में देखें तो वो 2000 सेल पर मिलीमीटर स्क्वायर, लेकिन फिर भी हाई नंबर है बिकॉज सेल की साइज जो है देखे अर्ली लाइफ में देखे सेल की साइज ये है, उसकी साइज देखे यहाँ पे, और फिर ओल्ड एज में देखें तो काफी ज्यादा इवन 40 मिलीमीटर तक उसकी साइज चेंज हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एक वर्ड लिखा है कि जो कुछ गैप है, जो सेल डाई हो चुका है उसकी गैप किसने फिल किया है, रिमेनिंग सेल ने, किस तरीके से फिल किया है, बाय एनलार्जिंग। सो ऐसे तरीके से कि जो सेल डाई हो चुके हैं, लॉस हो चुके हैं, उसकी लॉस को उस गैप को फिल करने के लिए आपके सराउंडिंग सेल जो है वो अपने स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस करे और सराउंडिंग सेल जो है वो एनलार्ज हो जाए और उस गैप को फिल करे, सच फिनोमेनन इज कॉल्ड पॉलीमैगेटिज्म। तो पॉलीमैगेटिज्म आपको किस एज में मिलेगा, स्पेशली ओल्ड एज में मिलेगा। आप यहाँ से वंस अगेन देख सकते हैं, दिस इज पॉलीमैगेटिज्म फिनोमेना, यहाँ पे ये सेल जो है ये काफी लार्ज हो चुके हैं और यहाँ पे ये सेल जो लार्ज हो चुकी है उसकी जो गैप है वो गैप उसने फिल किया हुआ है, तो दिस इज पॉलीमैगेटिज्म। लेकिन ये अमाउंट जो है सेल की, ये डेंसिटी जो है ये तब भी नॉर्मल है ओल्ड एज के लिए, ठीक है, लेकिन अगर ये 700 या 500 सेल से कम हो गया पर मिलीमीटर स्क्वायर से तो फिर कॉर्नियल एडिमा डेवलप हो गया।
अच्छा, कोई और स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, अल्ट्रा स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, तो आप देख सकते हैं दिस इज एंडोथेलियल सेल और ऊपर से ये बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है, इसी बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ उसका बेजल पार्ट जो है वो यहाँ से अटैच हो चुका है हेमिडिस्मोसोम के जरिए से, मॉडिफाई हेमिडिस्मोसोम के जरिए से ये अटैच हो चुका है विद बेसमेंट मेम्ब्रेन सुपीरियरली। लेकिन इसकी पोस्टीरियर सेल मेम्ब्रेन की आप बात करें तो वो ये पोस्टीरियर सेल मेम्ब्रेन है उसकी जो इंटीरियर चैम्बर की तरफ है। आप इसके ऊपर देखें तो यहाँ पे भी आपको 20 से लेकर 30 माइक्रोविलाई पर सेल यहाँ उसके ऊपर सरफेस जो है यहाँ पे आपको नजर आएगा, और एक सेल जो है वो दूसरे सेल के साथ जो है वो इंटर डिजिटेशन के जरिए, देखें कि दूसरे की एक फिंगर जो एक आर्म के फिंगर दूसरे आर्म के फिंगर के साथ ऐसे टाइटली आप कर लें, ठीक है। तो इसी तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यह इंडिविजुअल सेल है, ठीक है, एक इनकॉर्न एंडोथेलियल सेल है, तो ये दूसरे एंडोथेलियल सेल के साथ एंटर डिजिटेशन के जरिए से दूसरे नाइबर सेल के साथ अटैच हो चुका है, कोई गैप नहीं छोड़ देता। अगर यहाँ पे कोई गैप आ गया तो फिर कॉर्नियल एडिमा आसानी से डिवेलप हो गया। अब कॉर्नियल एंडोथेलियल की न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें, एंडोथेलियम जो है वो अपने न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन जो है वो एक्वास्यूमर से लेंगे, उसके लिए कोई कमी नहीं है, बिकॉज एक्वास्यूमर इज रिच सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन। लेकिन जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट है लाइक ग्लूकोज अमीनो एसिड जो है वो सरफेस से भी passes across its surface to supply the cellular need of all corneal layer. ये जो ग्लूकोज है अमीनो एसिड है, ठीक है, ये इसी से पास हो रहे हैं बाई डिफ्यूजन प्रोसेस, ठीक है, जो एसेंशियल चीज़ें हैं, और ये बाकी जो लेयर है आपके डिस्मिट और आगे स्ट्रोमा वगैरह उनको भी प्रोवाइड यही एंडोथेलियल सेल जो है वो कर रहे हैं। लेकिन वो कौन सी चीज़ है, स्पेशली ग्लूकोज और अमीनो एसिड वगैरह ये। इसके अलावा से अगर हम फ्लूइड रेगुलेशन की अगर हम बात करें तो याद रखें एक्चुअल जो स्टेट ऑफ डिटर्जेंस मतलब डिहाइड्रेशन स्टेट जो स्ट्रोमा की है वो यही मानो लेयर ऑफ सेल जो है, यही एंडोथेलियल लेयर की बात करें या सिंगल सेल लेयर की बात कर रहे हैं, ये दो तरीकों से कॉर्नियल की डिहाइड्रेट कॉर्निया को डिहाइड्रेट और इसी तरह से उसकी ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन रखता है। द फर्स्ट थिंग ये है कि यहाँ से अगर आपकी स्ट्रोमा की तरफ से कोई साल्ट वगैरह या जो भी चीज़ है जो एन करना चाह रहे हैं, इनकी एंग्रेसिंग हो रही है, एनवर्ड जा रही है, तो वो इसको ब्लॉक कर देता है, एक बैरियर प्रोवाइड कर देता है। सो एक्वास्यूमर से कोई एक्सेसिव साल्ट या मेटाबोलाइट वो स्ट्रोमा की तरफ नहीं जा रहा, एक चीज। और अगर वहां से कोई ऑस्मोटिक प्रेशर की जरिए से, आपको ऑलरेडी पता है कि यहाँ मैंने आपको पहले भी बताया था कि कुछ न्यूट्रिएंट वगैरह जो है वो ट्रेवल कर देता है टुवर्ड द डिफरेंट लेयर, लेकिन वहां पे भी अगर आपके कॉर्निया में कोई हाइड्रेशन इसका हो गया है, कुछ वाटर जो है वो चला गया है, सो वही एक्टिवली ट्रांसपोर्ट के जरिए से जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए से मेटाबॉलिक पंप के जरिए से वो अपने बाइकार्बोनेट को बाहर कर देते हैं, ठीक है, फ्रॉम द स्ट्रोमा टू द एक्वस। अब स्ट्रोमा से जो बाइकार्बोनेट एक्वस की तरफ आ रहे तो उसके बैक जो है वाटर जो है वो भी उसकी फ्लो जो है वो स्टार्ट हो रही है। सेकेंड तरीका क्या है कि वो एक्टिवली जो है बाय एक्टिव मैकेनिज्म वाटर जो है वो स्ट्रोमा से निकाल कर एक्वस की तरफ भेज देता है। एक तो वो खुद बैरियर का काम कर रहे थे, बिल्कुल छोड़ते नहीं है, दूसरा अगर वहां पे कोई मौजूद भी है वाटर या कोई और कंटेंट मौजूद भी है तो उसको एक्टिवली जो है वो ट्रांसपोर्ट कर देता है टुवर्ड द एक्वस ह्यूमर। और एंडोथेलियल रिपेयर की बात करें, अगर कोई फिजिकल या केमिकल ट्रामा एंडोथेलियल की तरफ आ गया तो उसके सेल लॉस हो गए तो जो सराउंडिंग सेल है वो जाकर उसकी गैप जो है वो फिल कर दे, किस तरीके से, अपनी एनलार्जमेंट अपनी सराउंडिंग के साथ जो है वो एनलार्ज करता है। लेकिन इसके बाद भी अगर उसकी डेंसिटी काफ़ी डिक्रीज हो गई, ठीक है, जिसके उस जिसकी वजह से सेल की अमाउंट कम हो गया तो फिर कॉर्नियल एडिमा आसानी से आ सकता है। ये सब चीज़ हम उसकी लेयर के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। आप कुछ ब्लड सप्लाई की बात करें, सबसे पहले आपको पता है कि कॉर्निया जो है वो एवस्कुलर स्ट्रक्चर है, ठीक है, लेकिन उसकी कुछ लिम्बल एरिया जो है, मैंने आपको बताया न्यूट्रिएंट जो है वो मैस मोस्टली आपका टियर फिल्म और उससे ले रहे हैं, एक्वास्यूमर से ले रहे हैं, बट ये लिम्बल एरिया में जो है अबाउट 1 मिलीमीटर के एरिया तक है वो अपना कोई ब्लड सप्लाई जो है उसकी कोई ब्लड सप्लाई भी है उसको डिस्कस करें। एक्चुअली कॉर्निया के जो पेरिफेरल जो है अबाउट 1 मिलीमीटर ये जो एरिया है यह अपना ब्लड सप्लाई इंटीरियर सिलरी वेसल जो है स्पेशली इंटीरियर कंजक्टाइवल वेसल और इंटीरियर सिलरी आर्टरी के ब्रांचेस हैं उनसे ये चीज़ें ले रही है। अब याद रखें कि ये बिल्कुल आपके स्ट्रोमा में नहीं है, आप ये नहीं कह सकते कि यही चीज़ आपके कॉर्निया के स्ट्रोमा या कॉर्निया के एपिथेलियम में मौजूद है, बट आपको पता है कि कंजक्टाइवल के कुछ टिश्यू जो है स्पेशली सब कंजक्टाइवल टिश्यू
उसने कुछ मिलीमीटर कॉर्निया को कवर किया हुआ है। अब वही कुछ मिलीमीटर ऑफ एरिया ऑफ सब कंजक्टिवल टिश्यू जिसने कॉर्निया को कवर किया हुआ है तो उसमें ये ब्लड वेसल मौजूद है, और पेरिफेरल कॉर्निया जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यही एरिया जो है अपना कुछ ब्लड सप्लाई बाय थ्रोट बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन जो है वो इसी सराउंडिंग इंटीरियर सिलियरी वेसल से ले रहे हैं। बाकी मोस्टली मैंने आपको पहले बताया था कि वो बाई डिफ्यूजन फ्रॉम द एक्वस और टीयर इससे ले रहे हैं। इससे पहले लास्ट में हम सप्लाई कॉर्निया नर्व सप्लाई की हम बात करें, सबसे पहले याद रखें कि अगर हम ब्रॉड टर्म की बात करें तो ऑप्टल्मिक डिवीजन जो कि ट्राइजमिनल नर्व की एक ब्रांच है उससे उसकी नर्व सप्लाई है। मैं थोड़े से चाहता हूँ कि थोड़े से चीज़ आपके साथ शेयर करूँ। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि आपके पास यहाँ पे आपके ट्राइजमिनल गैंग्लियन है, इससे एक ब्रांच ऑप्टल्मिक डिवीजन है, दूसरा मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर डिवीजन है, और यहाँ पे लेट सपोज मैं आपका ड्रा करूँ कैवर्नस साइनस। ठीक है, सो आपके ऑप्टल्मिक डिवीजन जो है पेप नर्व का ये एंटर हो गया कैवर्नस साइनस में, और कैवर्नस साइनस के एग्जिट से पहले पहले ये तीन ब्रांचेस में इसने थ्री ब्रांचेस दे दिया ऑप्टल्मिक डिवीजन के, फिर थ्री ब्रांचेस हो गया, दिस इज लैक्रिमल, दिस इज फ्रंटल एंड दिस इज नेजो सिलरी, दिस इज नेजो सिलरी। अब यही नेजो सिलरी ब्रांच जो है ये आपके ऑर्बिट, ये सारी चीज़ें लैक्रिमल भी फ्रंटल भी और नेजो सिलरी भी ये आपके ऑर्बिट में एंटर हो गया थ्रो सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। अब यही नेजो सिलरी नर्व जो है ये आगे जा रहे और वन ब्रांच फ्रॉम दिस नेजो सिलरी जो है जिसको हम कहते हैं लॉन्ग सिलरी नर्व, दिस इज लॉन्ग सिलरी नर्व। अब इस लॉन्ग सिलरी नर्व जो है ये एंटर हो रहे थ्रो स्क्लीरा और फिर पेरिकोराइडल स्पेस में जा रहे, और लेट सपोज यहाँ पे मैं एक आई बाल ड्रा करूँ और यहाँ आगे मैं थोड़ा सा कॉर्निया ड्रा करूँ, लेट सपोज दिस इज कॉर्निया, ये एक मिनट, एंड दिस इज कॉर्निया, ठीक है, दिस इज लिम्बस। अब ये लॉन्ग सिलरी नर्व जो है ये स्क्लेरा में एंटर हो गया, जाहिर बात है दिस इज ऑप्टिक नर्व, तो ऑप्टिक नर्व के अराउंड जो है लॉन्ग सिलरी नर्व एंटर टू द स्क्लेरा एंड पेरिकोराइडल स्पेस, और यहाँ से ये जाकर यहाँ तक आ रहे हैं लिम्बस तक, यहाँ से भी आ रहे कुछ वन लॉन्ग सिलरी नर्व जो है वो इस साइड से भी आ रहे हैं, ठीक है, और इसी लिम्बल एरिया में, लिम्बल एरिया में यहाँ पे ये कोई प्लेक्सिस बना रहे जिसका नाम है प्री कॉर्नियल प्लेक्सिस या लिम्बल प्लेक्सिस। तो यहाँ पे ये नर्व जो है मल्टीपल ब्रांचेस दे रहे हैं और मल्टीपल ब्रांचेस के बाद यहाँ पे कोई प्लेक्सिस बना रहे जिसका नाम है प्री कॉर्नियल प्लेक्सिस, और फिर प्री कॉर्नियल प्लेक्सिस से आप देख सकते हैं कि 60 से 80 माइलिनेटेड ब्रांचेस जो है वो कॉर्निया में एंटर हो रहे हैं। अब कॉर्निया में कैसे एंटर हो रहे हैं ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप यहाँ से याद रखें, लेट्स सपोज मैं आपको यहाँ पे ये कॉर्निया ड्रा करूँ, ये आपके ये कॉर्निया है, सबसे नीचे वाला ये आपका हो गया एंडोथेलियल लेयर, ठीक है, और जाहिर बात है उसके बाद आपका ये लेट्स सपोज छोटा सा लेयर जो है यहाँ पे बिल्कुल मैंने रेड बनाया है, ये वो डिस्मिट मेम्ब्रेन वाला लेयर हो गया, और इसके बाद ये आपका स्ट्रोमा, और स्ट्रोमा के बाद ये वाला जो है ये आपकी बोमेन लेयर हो गया, ये वाला ये एपिथीलियम हो गया, ठीक है, ये वही बोमेन लेयर हो गया, एंड दिस इज स्ट्रोमा, दिस इज डिस्मिट और दिस इज एंडोथेलियम। अब यहाँ से ये एंटर हो रहे हैं, ये 60 से 80 माइलिनेटेड ब्रांचेस जो है ये स्ट्रोमा में एंटर हो रहे हैं, बिल्कुल आप कह सकते हैं कि स्ट्रोमा के दरमियान में एंटर हो रहे हैं। और एंटर की बात ये क्या कर रहे हैं, जब ये सारी चीज़ें एंटर होगी तो आगे देखते हैं कि ये फाइबर जो है क्या कर रहे हैं। अच्छा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए कि आफ्टर 1 to 2 मिलीमीटर जैसे ये स्ट्रोमा में इधर एंटर हो गया, अभी तक ये माइलिनेटेड है, लेकिन 1-2 मिलीमीटर ट्रेवल करने के बाद यहाँ पे ये जो है ये नॉन माइलिनेटेड बन गया, और नॉन माइलिनेटेड बनने के बाद इससे टू ब्रांचेस, एक सुपीरियर या इंटीरियर ब्रांच हो गया, दूसरा जो है वो पोस्टीरियर ब्रांच हो गया। अब ये इंटीरियर नर्व जो है इसके मजीद जो है कितने ब्रांच हो गया, 40 से लेकर 50 तक ब्रांच जो है वो इस स्ट्रोमा में जाकर यहाँ पे कोई प्लेक्सिस बना रहे हैं, यहाँ पे क्या बना रहे हैं, स्ट्रोमा में जाकर प्लेक्सिस बना रहे हैं, कहाँ पे बना रहे हैं, यहाँ देखिए स्ट्रोमा में,
और इसने फिर बोमेन मेम्ब्रेन को क्रॉस करना है। इस प्लेक्सिस के बाद बोमेन मेम्ब्रेन को क्या करना है, क्रॉस करना है और इस यहाँ पे सब एपिथेलियल प्लेक्सिस बनाना है। और एपिथेलियल सब एपिथेलियल प्लेक्सिस के बाद ये वही बेजल और वेंसिल और सरफेस एपिथेलियम तक जाना है इसका। और ये जो पोस्टीरियर वाला पार्ट है, इस पोस्टीरियर पार्ट जो है, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द स्ट्रोमा, यहाँ तक उनको सप्लाई कर देता है। लेकिन याद रखे, ये जो नीचे डेसमेंट मेम्ब्रेन एंडोथेलियल है, इसका कोई सप्लाई नहीं है, इसका कोई नर्व सप्लाई नहीं है, इसका कोई सेंसरी सप्लाई नहीं। याद रखे, एंडोथेलियल और डेसमेंट का कोई सेंसरी सप्लाई नहीं है, लेकिन सुपरफिशियल आपके स्ट्रोमा जो है, बोमेन और स्पेशली एंडो एपिथेलियम जो है, दिस इज रिच सप्लाई। और इसी ब्रांचेस, इसी तरीके से इसका पूरा सप्लाई जो है, नर्व सप्लाई हो चुका है। और ये नर्व जो है, ये स्पेशली आपकी पेन, टेम्परेचर और टच का सेंसेशन जो है, यही कैरी करता है। बिकॉज देयर इज नो ग्लैंड, नो मसल, सो देयर इज नो ऑटोनॉमिक और सोमेटिक मोटर सप्लाई टू द कॉर्निया। इसका कोई सप्लाई, इसका ओनली सेंसरी सप्लाई यहाँ पे मौजूद है। तो ये हो गया है कॉर्निया का नर्व सप्लाई। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये नर्व इधर एंटर हो चुका है स्ट्रोमा से। स्ट्रोमा के बाद ये सभी एपिथेलियल प्लेक्सिस बना रहे हैं, सभी एपिथेलियल प्लेक्सिस के बाद देखें, ये इंट्रा एपिथेलियल पोर्शन एपिथेलियम के दरमियान दरमियान जा रहे, बिल्कुल सरफेस तक यहाँ पे आ गया। दिस इज द कॉर्निया। देखिए, बॉडी में वाहिद स्ट्रक्चर है जिसका रिच सेंसरी नर्व सप्लाई है। अच्छा, अब कॉर्निया की न्यूट्रिशन मेटाबॉलिज्म की बात करें तो कॉर्निया के लिए आपको, मैंने आपको पहले बताया था कि इसके लिए एनर्जी की जरूरत है। नॉर्मल मेटाबॉलिज्म, जितनी भी एक्टिविटीज, हाइड्रेशन, ट्रांसपेरेंसी के लिए उसके लिए एनर्जी की जरूरत है। अब ये एनर्जी जो है किस तरीके से लेगा, जाहिर बात है कि वो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करके अपने लिए एटीपी बनाएगा, ठीक है। और स्पेशली मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्पेशली ये एक्टिविटीज जो कर रहे हैं वो आपके एपिथेलियम एंडोथेलियम जो है वो कर रहे हैं, उसमें जितने भी मेटाबॉलिज्म है वो स्पेशली आपके एपिथेलियम एंडोथेलियम कर रहे हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बैरियर है। एपिथेलियम जो है इंटीरियर बैरियर का काम कर रहे हैं, वो भी एक्वस और ये सारी चीज़ों को नहीं तोड़ देते, टीयर को सॉरी, और एंडोथेलियम जो है वो भी आपके एक्वस ह्यूमर जो है इसको अलाउ नहीं कर देते हैं, और उसको एक्टिवली ट्रांसपोर्ट में काफ़ी रोल प्ले कर देता है। तो उस सब चीज़ों के लिए एनर्जी और न्यूट्रिशन की जरूरत है। तो अब ऑक्सीजन की सबसे पहले हम बात करेंगे कि ऑक्सीजन सोर्स जो है मेनली वो एटमोसफेयर है। एटमोसफेयर से एयर जाकर वो आपकी टीयर पेरों के साथ शामिल हो रहे हैं, और फिर वहाँ से जो है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन जो है वो आपकी कॉर्निया में एंटर होते हैं। और बहुत स्मॉल अमाउंट जो आपकी लिम्बल वैस्कुलेचर है, जो पहले मैंने आपको बताया था कि प्री कॉर्नियल वेसल जो है, या ऑलरेडी मैंने बताया था कि इंटीरियर सेलरी वेसल जो है, स्मॉल अमाउंट से वहाँ से भी डिफ्यूजन के जरिए से हासिल कर सकता है, और एक्वस से भी हासिल कर सकता है, बट मेनली फ्रॉम एटमोसफियर। अब जब हम वो स्टीयर की बात करेंगे तो देखें, टीयर में यूजुअली पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो अबाउट 155 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है। इसी तरह से अगर हम एक्वस की बात करें तो वो 40 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है। एक्वस में देखें बहुत कम है, और आप टीयर में देखें तो टीयर में ऑक्सीजन की पार्शियल प्रेशर बहुत ज़्यादा है। तो हाई से लो प्रेशर, पार्शियल प्रेशर की तरफ से आसानी से ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूज़ हो सकता है। अब कॉर्निया को, कॉर्निया की डिटर्जेंसिटी के लिए, कॉर्निया के डिहाइड्रेशन स्टेट रखने के लिए और ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन रखने के लिए उसको 25 मिलीमीटर ऑफ मरकरी जो है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन चाहिए। अगर इससे ऑक्सीजन कम हो गया, फिर हाइपोक्सिक कंडीशन डेवलप होगा और कॉर्निया की सारी चीज़ें जो है उसकी डिहाइड्रेशन और ट्रांसपेरेंसी सारी चीज़ें फिर कंप्रोमाइज हो जाएगी। इसी तरह से ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, विटामिन और अदर न्यूट्रिएंट जो है वो एक्वस को, एक्वस जो है वो मेन सप्लाई है इन चीज़ों की। ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए एटमॉस्फेयर और टीयर है, लेकिन बाकी ग्लूकोज और न्यूट्रिएंट के लिए मेन सप्लाई जो है कॉर्निया को कर रहे हैं वो एक्वस ह्यूमर है, और लेस अमाउंट से वो टीयर और लिम्बल वेसल से ले रहे हैं। अब ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजन, मैंने आप स्टार्ट में अगर आपको याद है, मैंने कहा कि आपके एपिथेलियम जो है, कॉर्निया एपिथेलियम में ग्लाइकोजन स्टोर हो रहे हैं, तो वही स्टोर ग्लाइकोजन जो है वो कन्वर्ट होते ग्लूकोज में, और फिर ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन मिलकर एरोबिक रिस्पिरेशन सारे सब कुछ कर रहे और अपने लिए क्या बना रहे, एटीपी बना रहे, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है कि एपिथेलियम जो है वो 10 times ज़्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहे एज कम्पेयर टू बाकी स्ट्रोम, बिकॉज इट्स मोस्ट एक्टिव सेल। अच्छा, अब यही ग्लूकोज जो है इससे एनर्जी लेना है बाय 3 methods। अब कैसे, किस तरीके से ये एनर्जी लेते हैं, सबसे पहले हम पेंटोज शंट की बात करें या हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट की बात करें। जी, आपको पता है ये हाइपोक्सिक या मोजिक कंडीशन जो है, इसमें आपका यही शंट जो है काम कर रहे हैं,
और इसके अलावा इस तरीके में मैं डिटेल पे नहीं जा रहा, लेकिन इसमें एक्चुअल एडीपी बनता है पेंटोज, स्पेशली हाइपोक्सिक कंडीशन में एडीपी और पेंटोज शुगर जो है डायरेक्टली वहाँ ग्लूकोज से वो क्या करे बनाता है, और फिर वो न्यूक्लिक एसिड के सिंथेसिस के लिए यूज करते हैं। इसके अलावा जो है हाइपोक्सिक कंडीशन में ग्लाइकोलिसिस जो एनएरोबिक रिस्पायरेशन है वो भी हो सकता है, कि जिसमें एनएरोबिक प्रोसेस में ग्लूकोज जो है वो डायरेक्टली पाइरूवेट में कन्वर्ट हो सकता है। वो साथ में आपको पता है एफईसी में भी आप पढ़ चुके हैं कि 2 ATP उससे बनेगा। और इसके अलावा जो एरोबिक कंडीशन है इन द केस ऑफ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो है, आपको पता है कि वो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या क्रेब्स साइकिल या जिसको सिट्रिक साइकिल कहते हैं, तो उससे पास होगा। और उसमें आपको पता है कि पाइरूवेट जो है वो मजीद ऑक्सीडाइज करके उससे 30 ATPs बनते हैं, और साथ में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड सारी चीज़ें। कहने का मकसद ये है कि पेंटोज शंट, ग्लाइकोलिसिस या क्रेब्स साइकिल, इसमें से किसी भी तरीके से जो है कारने जो है अपनी न्यूट्रिशन की जो ज़रूरत है वो पूरी कर सकती है। बट इन केस आप हाइपोक्सिक कंडीशन, पेंटोज शंट और ग्लाइकोलिसिस ज़्यादा उसकी चांसेस है कि वो ज़्यादा हो जाए, और यूजुअली नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में जो सेट्रिक साइकिल और क्रेब्स साइकिल है ये सारी चीज़ें हो रही है। सो बस लास्ट में ये मैं आपको बता रहा हूँ कि कॉर्ने की ट्रांसपेरेंसी क्यों है, कि कॉर्निया एक ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर क्यों है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि एपिथेलियल जो है उसके आपस में टाइट जंक्शन है, और इसी टाइट जंक्शन की बदौलत कोई भी फ्लूइड जो है आसानी से इनसाइड नहीं जा रहा। अब देखिए ये फ्लूइड का मैकेनिज्म क्या है। कोई भी फ्लूइड लेट सपोज अगर आपकी स्ट्रोमा की तरफ चला गया, तो स्ट्रोमा में जो रेगुलर अरेंजमेंट है कोलेजन फाइबर की, अब वहां पे अगर आपने दरमियान में से फ्लूइड भी एक्युमुलेट करना है, तो क्या वही रेगुलर अरेंजमेंट वैसे रहेगी जो प्रीवियस स्टेट में था? जाहिर बात है कि ड्यू टू एक्सेस ऑफ फ्लूइड जो है वो रेगुलर अरेंजमेंट लॉस हो जाएगी, जिसकी वजह से कॉर्नियल हेजीनेस एडेमा आएगा। एंडोथेलियल पंप मैकेनिज्म है, ऑलरेडी अभी मैंने डिस्कस किया कि एंडोथेलियम जो है वो एक्टिवली पंप कर रहा है बाइकार्बोनेट और उसके अलावा जो है वाटर वगैरह, अगर ये खराब हो गए तो फिर उसकी ट्रांसपेरेंसी भी लॉस होगी, लेकिन एंडोथेलियल जो है वो मेन रोल प्ले करता है। दूसरी बात यह है कि कॉर्निया में कोई ब्लड वेसल नहीं है, अगर कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन में ब्लड वेसल आ गया तो ओबेसिटी भी आएगी, कॉर्नियल लॉस हो जाएगा, लेकिन यूजुअली यहाँ पे कोई ब्लड वेसल नहीं है तो इसलिए कॉर्निया ट्रांसपेरेंट है। देखिए कोई पिगमेंट नहीं है, कोई पिगमेंट यहाँ पे नहीं है लाइक मेलानिन पिगमेंट वगैरह, कोई पिगमेंट यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा कॉर्निया एपिथेलियम में। द सेकंड थिंग यह है कि जहाँ पे स्ट्रोमा की बात है, स्ट्रोमा में कोलेजन फाइबर वगैरह, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि वहाँ की जो सेल वगैरह है उसकी न्यूक्लियाई जो है बहुत कम अमाउंट ऑफ न्यूक्लियाई आपको मिलेगा, न्यूक्लियाई भी डार्कनेस थोड़ा से दे रहे हैं, तो इसकी वजह से ये भी कि स्ट्रोमा में जी के सेल के न्यूक्लियाई भी बहुत कम है। और सबसे लास्ट में यह है कि यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रोमा, अब स्ट्रक्चर की जो अरेंजमेंट है वो बहुत वो है रेगुलर अरेंजमेंट है, इसी रेगुलर अरेंजमेंट की वजह से आपकी कॉर्निया की जो है ट्रांसपेरेंसी, अगर ये रेगुलर अरेंजमेंट ना रही तो फिर ट्रांसपेरेंसी भी नहीं रही। एंड थैंक यू सो मच।